मायरा, मायरा क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? मम्मी ने सुबह इतनी देर तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, तुमने नहीं खोला, इसलिए मैंने अभी चाबी से खोला तुम्हारा दरवाजा। क्या हुआ है? इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? रात को सलमान आया था, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ है? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। क्यों, मेरा कौन है जो उसको जाके गालियां देगा? कोई है जो मेरे लिए बोले? तो मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या है प्लीज? लोग आजिज नहीं आते, एक ही बात बार बार पूछते हो। हजार बार जवाब दे चुकी हूं मैं कहूं क्यों जानना चाहती हूं। अंधी भी और बहरी भी, जो मैं नाश्ता कर लूंगी। अम्मी, 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 मिशाल, 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 अम्मी, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है। अम्मी, अम्मी, मायरा तुम एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी से। अम्मी, अम्मी उठने की कोशिश करें प्लीज। क्या हुआ है इनको, बेहोश क्यों हो गई? अम्मी, अम्मी प्लीज उठने की कोशिश करें। डॉक्टर, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? अब उन्हें क्या हुआ है? उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी कब से है? अम्मी को ब्लड प्रेशर तो नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक थी। कोई परेशानी है उन्हें? क्या करती हैं वो? अम्मी टीचर हैं। परेशानी सच तो कोई नहीं है, मगर हमारे घर में शादी चल रही है, हो सकता है उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया। हाँ ये हो सकता है। देखिए अल्लाह ने उन्हें बाल बाल बचाया है, मैं आपको मशवरा दूंगी उनका बहुत ख्याल रखें, उन्हें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना दें। ब्लड प्रेशर एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और वो कोमा में भी जा सकती हैं। डॉक्टर अम्मी आप कैसी हैं? वो होश में आ गई हैं, मैं उनसे मिल सकती हूँ? हम उनको घर कब ले जा सकते हैं? जी जी, अब वो काफ़ी बेहतर हैं, ऑब्जर्वेशन में हमने रखा हुआ है उन्हें, 3 से 4 घंटे में आप उनसे मिल भी सकती हैं और ले भी जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you.
क्या बना? हाँ, छुट्टी अप्रूव तो हो गई है। वैसे भी मेरी एनुअल लीव्स बाकी थी। अच्छा हो गया। किम, आप फिर भी परेशान लग रही, क्या वजह? दरअसल मैंने ना एडवांस के लिए रिक्वेस्ट की थी जो अप्रूव नहीं हुई। अगर एडवांस दे भी रहे हैं तो बहुत कम। अब खुदा के वास्ते ये ना कह दीजिएगा कि प्रोविडेंट फंड निकलवा के मैं अपनी बेटियों की शादी पे लगा चुकी हूँ। नहीं, वो प्रोविडेंट फंड तो मैंने किसी और मकसद के लिए लिया था। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। बस मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर दूं और मेरी रिटायरमेंट हो जाए तो बस फिर हज पर जाऊं। कितना एडवांस मांगा आप? 2 लाख की रिक्वेस्ट की थी। जाहिर है शादी वाला घर होगा, 100 खर्चे होंगे और फिर मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कह दिया है कि खाना बेहतरीन होना चाहिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे आज तक इन रिश्तेदारों की लॉजिक समझ नहीं आया। तो देखिए ना, कहने में मामा, चाचा, फूफो, खाला, ये रिश्ते कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन हकीकत इनके बरक्स। हम पैदा होते हैं तो ये हंसी खुशी आ जाते, हम मर जाते हैं तो ये तदफीन में भी पहुंच जाते। तो यही प्यारे रिश्ते हमारा जीना मुश्किल करते। एक तो आप पहले परेशान, ऊपर से मैं ऐसी बातें करके आपका दिमाग खा रहा हूं। सॉरी, आई एम सॉरी। नदर साहिबा, ये किताब पढ़ी है आपने? नहीं। बहुत ही अच्छी किताब है, आप चंद सफे पढ़कर तो देखिए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता और आप भी शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे पास कुछ सेविंग है, फिर मेरे बच्चे भी कनाडा से मुझे हर दूसरे महीने पॉकेट मनी भेज देते हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होकर अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। मैं हैंडसम नहीं हूं, लेकिन यूं समझ लें कि फाइनेंशियली मैं हैंडसम चल रहा हूं, तो ऐसे में ये पैसे आपके काम आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका खैर अंदेश नजीब।